तो ये है जी अपना नया डॉग, इसका नाम है बॉक्सर। ये ग्वालियर गाड़ी छोड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की सर्विस होने वाली है और काफी काम होने वाला है, तो गाड़ी आज छोड़ के आनी पड़ेगी। तो बुलेट अपनी धुल चुकी है, देखो चमक गई है पूरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और आज बादल बने हुए हैं। रात को भी बारिश होती रही थोड़ी बहुत, और कल भी बादल बने थे, कल भी थोड़ी हल्की बारिश हुई थी। उससे थोड़ी ना ठंड हो गई है और थोड़ी हवा चलने लग गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले ब्लॉग में कि मैं डॉग लेने गया था, तो डॉग मैं ले आया हूँ। डॉग घर पे है और मैं थोड़ा बाहर खेतों में आया हुआ था, और घर जाके आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा डॉग लेके आया हूँ और कैसा वो दिखता है। तो ये है अपना नया डॉग, इसका नाम है बॉक्सर और रॉटवीलर डॉग है ये अपना। पहले अमेरिकन बुली था, अब मैंने सोचा कि नेक्स्ट दूसरा ट्राई करते हैं लाके, अब रॉटवीलर लेके आए। ये भी काफ़ी अच्छा डॉग होता है, सो इसको देखते हैं बड़ा होकर कैसा निकलता है। अभी से काफ़ी एक्टिव है ये वाला बॉक्सर, और पहले वाले का था टाइगर, वो पूरा 8 साल का होके मर गया, और ये पूरा 64 दिन का हो गया है, 2 महीने 4 दिन का। सो देखो इसके पंजे, देखो बॉक्सर देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब 2-3 महीने के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अब जय नूर का दोस्त बन गया है, दोनों में दोस्ती हो गई है। मेरे साथ भी इसकी दोस्ती है, पर नूर के साथ ज्यादा है इसकी। सो नूर की और बॉक्सर की लड़ाई हो गई है, देखो क्या कर रहा है। बॉक्सर ने भगा दिया है, देखो उसके पीछे पीछे कैसे भाग रहा है। सो एक वैक्सीन मैंने इसको लगवा दी थी, और दूसरी जो वैक्सीन है इसको 16 तारीख को लगेगी। तो अभी इसकी दवाई पूरी चल रही है, क्योंकि वैक्सीन लगी हुई है, तो डॉक्टर ने कहा है इसको अभी नहलाना नहीं है और ठंड से बचा के रखना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये ग्वालियर, थोड़ा गाड़ी का काम कराना, थोड़ी सर्विस है और काफ़ी उसका काम होने वाला है। तो अभी इस गाड़ी को लेके चलते हैं ग्वालियर, वहीं पर छोड़नी पड़ेगी 1-2 दिन, क्योंकि उसका काफ़ी सारा काम होने वाला है। तो चलते हैं अपन ग्वालियर। ये ग्वालियर गाड़ी छोड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की सर्विस होने वाली है और काफ़ी काम होने वाला है, तो गाड़ी आज छोड़ के आनी पड़ेगी। इस पर थोड़ा कलर की टचिंग भी होनी है, तो वो ही करा के आते हैं। यार काफी ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि इनके ना शादियां चल रही हैं, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है। तो सुबह ही है, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं और अभी से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो गाड़ी लेके मैं आ गया हूँ, और गाड़ी का काफी काम होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बहुत हमारी गाड़ी एक दिन क्या हुआ है, खुद गई थी और उसका काफी नुकसान हो गया। तो कल या परसों मिलेगी गाड़ी, उसकी सर्विस भी होनी है, उसके डेंट पड़ गए हैं वो निकलने वाले हैं, और काफ़ी और भी काम है इस पर, थोड़ा थोड़ा कलर की टचिंग भी होनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ से टूटी थी। सो देखो यहाँ पे डेंट पड़ा है, और ये वाला गेट अंदर घुस गया है, और सामने से भी इधर देखो काफ़ी ज़्यादा टूटी थी गाड़ी, और इसका जो ये कवर भी टूट गया था। तो काफ़ी काम होगा इसका, और गाड़ी अपने को मिलेगी कल। लो ये गाड़ी हमने दे दी, अब जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर, क्योंकि अब वापस किस पे जाएंगे घर। यहाँ से जाती है सीधा बस और सीधा अपने घर के सामने उतारती है। तो आज काफ़ी सालों बाद बस में भी सफ़र करेंगे, करीबन 10 साल हो गए मैं बस में नहीं बैठा, तो आज देखते हैं पुराना एक्सपीरियंस दोबारा से। तो अभी जा रहे थे घर पे, तो पहले हमने सोचा कुछ पिया जाए, तो हमने दो ऑर्डर किए हैं, 2 चीकू शेक, और पहले उसको पीते हैं फिर चले जाते हैं। लो जी शेक अपना आ चुका है, अब इसको पी के और खा के फिर देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट है। तो जल्दी अपना शेक पीते हैं और फिर अपन चलते हैं घर पे। सो टाइम हो गया जी, 2 बज चुके हैं और मैं घर पे आ चुका हूँ, और अभी खाते हैं खाना, क्योंकि थोड़ी भूख लग रही है। सो फिर आगे का ब्लॉग
कंटिन्यू करते हैं। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट को धुलाने के लिए। काफ़ी गंदी हुई है क्योंकि 2-4 दिन से बाहर खड़ी थी और काफ़ी धूल मिट्टी उस पर जम गई है। अभी चलते हैं अपन बुलेट को वॉश करवा के लाते हैं। अपनी धुल चुकी है, देखो चमक गई है पूरी। और अब अपन चलते हैं घर। सो घर में अभी आ चुका हूँ और ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।